शाहरुख खान की मूवी जवान आ चुकी है थिएटर्स में। देखो यार, अगर आप एसआर के फैंस हो या फिर ना हो, अगर आप सिनेमा लवर हो तो डेफिनेटली आपको ये मूवी देखनी ही चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। मूवी के स्टार्टिंग में आपको दो ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जिनसे आप यही सोचोगे यार ये सब क्यों हो रहा है। जैसा कि एसआर के ने अपने फैंस के साथ ये भी बोला था कि आपको स्टार्टिंग का पार्ट मिस नहीं करना है। अगर आप एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, कॉमेडी, थ्रिलर इन सभी के दीवाने हो तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इसमें आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अभी तक हम लोगों ने शाहरुख खान के प्रीव्यू, ट्रेलर और सॉन्ग में जो कि कुछ डिफरेंट लुक देखे थे, वो सारे लुक्स को एक कहानी में जोड़कर दिखाया जाएगा। फिल्म में एसआरके के सिर्फ दो रोल है, जी हाँ, बाप और बेटे का। फिल्म में एसआरके की जबरदस्त एक्शन से भरपूर सीन भी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही बाप बेटे का स्वैग भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको जरूर पसंद आने वाला है। वैसे यह फिल्म 2 घंटे 49 मिनट का है और इतने टाइम में भी आपको ये मूवी जरा भी बोर नहीं करने वाली है। कहानी काफी ज्यादा जबरदस्त है इस मूवी की। एक लाइन में इस मूवी की कहानी के बारे में बोलूं तो जवान की कहानी का मोटिव सिर्फ इतना है कि जब कोई आम नागरिक कोई चीज लेने जाता है तो उसके बारे में वो 10 बार पूछता है, देखता है और करता है। लेकिन यही अगर बात आती है मिनिस्टर सेलेक्ट करने की, तो कोई भी मिनिस्टर हो तो उनसे वो कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझता, बस जा करके अपनी उंगली का इस्तेमाल करके वोट डाल देता है। तो इस कहानी में कुछ ऐसा ही दिखाया गया जो कि एक आम नागरिक को काफी सारी परेशानियां उठानी पड़ती है इस चीज को लेके। तो जवान मूवी की कहानी काफी ज्यादा जबरदस्त है, काफी बढ़िया काम किया है जवान की टीम ने, खासकर एसआरके की मेहनत इसमें साफ दिखाई देती है और एटली कुमार का जबरदस्त डायरेक्शन। जैसा कि आधा फैंस ने उम्मीद वैसा ही मूवी निकला है। बाकी मेरी ओर से इस मूवी को 4 स्टार दिए जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जवान नहीं देखा है तो जाकर देखो, काफी बढ़िया काम किया है जवान की टीम ने। पैसा वसूल मूवी है भाई।